वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। सो गाइस, साउथ अफ्रीका जीत चुका है और थर्ड T20 था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, बट जैसे डेविड मिलर ने लास्ट टाइम खेला था, थोड़ी सी उम्मीद की किरण जा गई थी कि यार साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है। बट आज जो था, रायले रूसो ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया, सेंचुरी बनाई और 33 बॉल्स पर उन्होंने सेंचुरी बनाई। अब इंडिया के स्कोर बोर्ड की जाना बढ़ा जाए तो सारे प्रडिक्शन ये कर रहे थे कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि इस रन को चेज़ कर सकती है, बिकॉज अगर इसकी जगह पाकिस्तान होता या कोई और कंट्री होता, न्यूजीलैंड होता, तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई जा सकती थी। बट इंडिया से एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती थी और है, बिकॉज वो ऐसी एक टीम है जो कि बड़े रन स्कोर करना जानती है, उसको पता है कि अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, क्योंकि IPL में बड़े बड़े लीग के अंदर बड़े बड़े रन चेस करती आई है। बट आज जो है, रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है इंडिया के, वो नहीं चल सके। उसके बाद ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर है, उन्होंने 27 रन बनाए 14 बॉल्स पर, और अय्यर ने नहीं रन कोई खाता नहीं खोला, एक रन बनाया सिर्फ 4 बॉल्स पर। दिनेश कार्तिक 46 रन बनाए 21 बॉल्स पर। अच्छा, इंडिया के पास एक ऐसा बैट्समैन है जिसका नाम दिनेश कार्तिक है, एक अंडररेटेड हाईली जैम बैट्समैन है और विकेट कीपर भी हैं, जिनको पता है कि इन्हीं को कैसे बिल्ड करना है, छक्के चौके कब मारने। ये एक ऐसे बैट्समैन है, अगर इनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलाया जाए, बिकॉज पास में देखा जाए तो दिनेश कार्तिक इन एंड आउट होते चले आ रहे हैं इंडिया की टीम के अंदर, बट अगर इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए इंडियन टीम के अंदर, तो आई थिंक ये एक लकी चार्म की तरह उभरेंगे और एक इंडिया को बड़े से बड़ा मैच जिताने की सलाहियत ये रखते हैं। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि पिछले दो T20 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दे रहे थे। आज के मैच में अनफॉर्चुनेटली 8 रन बनाए हैं। अक्षर पटेल हमेशा की तरह थोड़े रन बना कर गए। हर्षल पटेल भी जो उनके नाम भाई हैं, उन्होंने भी कोई रन नहीं बनाया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉलिंग लाइन की, टेल एंडर्स की, चहर ने और यादव ने कमाल कर दिया। सो गाइस, ये थी वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन लगी होगी। मुझे काफ़ी मज़ा आया, एंड तक इंडिया ने फाइट की है, यह सबसे बड़ी बात है, बिकॉज 8 विकेट्स गिर चुकी थी 150s में, बट इंडिया के जो टेल एंडर्स हैं, उन्होंने उम्मीद की किरण थोड़ी सी बढ़ा दी थी कि हो सकता है, बट बहुत अच्छा खेला इंडिया ने भी। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला, बिकॉज ये इनिंग इनको चाहिए ही चाहिए थी। अगर ये ना होती तो वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम जाती, बिकॉज काफ़ी अरसे से साउथ अफ्रीका अच्छा प्रदर्शन नहीं दे रही थी। इंडिया सीरीज जीत चुका है 3-2-1 के साथ, तो कंग्रेचुलेशंस गाइस। और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।